हेलो एवरीवन आज का सम है ए बी इक्वल टू हंड्रेड ये इक्वेशन वन है बी सी इक्वल टू टू हंड्रेड ये इक्वेशन टू है एंड सी इक्वल टू थ्री हंड्रेड ये इक्वेशन थ्री है और यहाँ पर हमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड करना है अल्जेवरा में एक आइडेंटिटीज है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसी आइडेंटिटीज का यूज यहाँ ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करने के लिए करेंगे लेकिन इसके यूज करने से पहले मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना होगा कारण ए बी बी सी एंड सी का वैल्यू ऑलरेडी इक्वेशन वन टू एंड थ्री में दिया हुआ है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन वन इंटू इक्वेशन टू बाय इक्वेशन थ्री करते हैं इक्वेशन वन का लेफ्ट हैंड साइड है ए बी इक्वेशन टू का लेफ्ट हैंड साइड है इंटू बी सी बाय इक्वेशन थ्री का लेफ्ट हैंड साइड है सी ए इक्वल टू हो गया हंड्रेड इंटू टू हंड्रेड बाय थ्री हंड्रेड यहां लेफ्ट साइड में देखें ए एंड ए कैंसिल सी एंड सी कैंसिल और बच गया बी स्क्वायर इक्वल टू कारण बी इंटू बी इक्वल टू बी स्क् जीरो जीरो कैंसिल जीरो जीरो कैंसिल, हंड्रेड इंटू टू टू हंड्रेड बाय थ्री बी स्क्वायर का वैल्यू मुझे यहां पर मिल चुका है अब नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन टू इंटू इक्वेशन थ्री बाई इक्वेशन वन करते हैं इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री का लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन टू का लेफ्ट लेफ्टी सी एंड इक्वेशन थ्री का लेफ्टी ए बी सी इन टू सी ए इक्वेशन वन का लेफ्ट हैंड साइड है ए बी इक्वल टू इक्वेशन टू का राइट हैंड साइड है टू हंड्रेड इक्वेशन थ्री का राइट हैंड साइड है थ्री हंड्रेड बाय इक्वेशन वन का राइट हैंड साइड यहाँ लेफ्ट हैज़ेर में देखें B एंड B कैंसिल, A एंड A कैंसिल, बचा C इनटू C, यानी C स्क्वायर इक्वल टू यहाँ भी देखें 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 23600 यानी 600, यानी C स्क्वायर इक्वल टू 600. सिमिलरली अब हम इक्वेशन three इनटू इक्वेशन one बाय इक्वेशन two करते हैं इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन वन का लेफ्ट हैंड साइड है सी एंड ए बी सी एन टू ए बी बायस टू का लेफ्टीसीवल हंड्रेड इक्वल टू हंड्रेड इक्वेशन थ्री का राइट हैंड साइड इक्वेशन वन का राइट हैंड साइड बाय इक्वेशन टू का राइट हैंड साइड दू हंड्रेड यहाँ देखिए जीरो 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 कैंसिल टू वन जा टू वन फिफ्टी टू जा 300. हंड्रेड यहाँ लेफ्ट हैंड में देखें सी एंड सी कैंसिल बी एंड बी कैंसिल और ए टू ए ए स्क्वायर इक्वल टू 150. इस तरीके से मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है अब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हम फाइंड करेंगे नाउ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर

सी यानी इक्वेशन थ्री का राइट हैंड साइड थ्री हंड्रेड है इक्वल टू वन फिफ्टी प्लस टू हंड्रेड बाय थ्री प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस टू इंटू थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स यानी सिक्स हंड्रेड इक्वल टू वन फिफ्टी प्लस टू हंड्रेड बाय थ्री प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस सिक्स टू जा देखिए हो गया थर्टी सिक्स यानी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इक्वल टू अब न्यूमरेटर को हम प्लस करेंगे तो प्लस कर कर रहा मेरा सिक्स थाउजेंड फिफ्टी बाय थ्री ये देखे सिक्स थाउजेंड फिफ्टी बाई थ्री किसके बदले आया है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी प्लस सी होल टू सिक्स नाव स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स जब लेफ्ट एंड साइड का स्क्वेयर रूट करेंगे तब ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड का हो जाएगा अंडर रूट सिक्स थाउजेंड फिफ्टी बाय थ्री यहां देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गया और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स थाउजेंड फिफ्टी बाय अंडर रूट थ्री अब हम सिक्स थाउजेंड फिफ्टी को फैक्टराइज करते हैं में लास्ट में जीरो है इसलिए टू से इसको डिवाइड करते हैं तभी हो जाएगा थ्री थाउजेंड ट्वेंटी फाइव यहाँ लास्ट में फाइव है इसलिए फाइव से इसको डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा सिक्स हंड्रेड फाइव अगेन यूनिट डिजिट फाइव है इसलिए फाइव से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी वन यानी एलेवन एलेवन जा वन हंड्रेड ट्वेंटी वन यानि हम लिख सकते हैं और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट टू इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू एलेवन इंटू एलेवन बाय अंडर रूट थ्री इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट टू इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू एलेवन इंटू एलेवन बाय अंडर रूट थ्री यह देखे फाइव प्यर में है एंड एलेवन भी प्वेयर में है तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू प्लस माइनस फाइव इंटू एलेवन इंटू अंडर रूट टू बा टू प्लस माइनस एलेवन फाइव फिफ्टी फाइव इंटू अंडर रूट टू बाय अंडर रूट थ्री डिनोमिनेटर में कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता है इसलिए यहां पर हम इसको रेशनलाइज करेंगे इज करने के लिए इनटू अंडर रूट थ्री बाय अंडर रूट थ्री करना होगा इक्वल टू प्लस माइनस फिफ्टी फाइव इंटू अंडर रूट टू इनटू अंडर रूट थ्री इक्वल टू अंडर रूट टू थ्री सिक्स बाय अंडर रूट थ्री इनटू अंडर रूट थ्री इक्वल टू थ्री इक्वल टू प्लस माइनस फिफ्टी फाइव इंटू जीरो पॉइंट एट टू वन सिक्स फोर नाइन अंडर रूट सिक्स बाई थ्री इक्वल टू जीरो पॉइंट एट वन सिक्स फोर नाइन होगा और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हो जाएगा प्लस माइनस फोर्टी फोर पॉइंट नाइन जीरो सिक्स नाइन फाइव यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस फोर्टी फोर पॉइंट नाइन जीरो सिक्स नाइन फाइव होगा लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू